दिल्ली NCR में मंगलवार यानी कल की शाम से एक बार फिर से मौसम ने अपना रुख बदलाया। कल शाम को हुई झमाझम बारिश ने एक बार फिर से उमस भरी गर्मी से आम आदमी को राहत दी है। दिल्ली NCR में आज मौसम सुहाना हो गया है। कल की बारिश का असर आज सुबह से देखने को मिल रहा है। घने बादल के साथ हल्की हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली में अभी दो दिन ऐसे ही बीतेंगे। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए दिल्ली NCR में झमाझम बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा तमाम राज्यों में भी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली NCR में आज यानी 18 सितंबर और कल यानी 19 सितंबर को बारिश के अनुमान है। आज मध्यम बारिश और कल हल्की बारिश या बौछार पड़ सकती है। इसके बाद 20 से 23 सितंबर तक बारिश नहीं होगी। आसमान में काले बादल छाए रहेंगे। इस बीच दिल्ली का मिनिमम तापमान 23 से 25 डिग्री पर रहने की उम्मीद है। वहीं मैक्सिमम तापमान 32 से 35 डिग्री रह सकता है। दिल्ली के अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये बारिश अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रह सकती है। IMD की माने तो आज बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण और गोवा, कर्नाटक के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में गोवा सहित कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के इलाके बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में भी आज हल्की बारिश हो सकती है।